पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध। लाहौर में धुंध ने हर चीज को धुंधला दिया। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला भी धुंध की लपेट में। जहानिया, ओकाड़ा, रेनाला खुर्ज, जलालपुर बटिया में भी धुंध के डेरे। इंतखाबी तैयारियों की गाड़ी को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में जारी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमल मुंजमद। पीटीआई ने ब्यूरोक्रेट्स की बतौर आरओस तकरीरियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। उधर डीआरओस और आरओस का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास आज सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया। लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का खड़ बना दिया गया? मेरे खिलाफ मुनज़्ज़िम साजिश की कहानी 2014 के दिनों से शुरू हुई। व्हाट्सएप पर GIT के लिए हीरे चुने गए। सजा सुनाने वाला एक जज एहतसाब अदालत के ऊपर मॉनिटर बनकर बैठ गया। शर्मनाक खेल के तमाम किरदारों के चेहरे बेनकाब हो चुके। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा एक बार फिर अवाम की अदालत में पेश कर दिया।